लोकसभा चुनाव के बाद देश भर में अलग अलग राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को उपचुनाव होना है। जिन सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से कुछ सीटें तो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हुई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कई विधायकों ने संसदीय चुनाव में हिस्सा लेने के लिए विधायकी छोड़ी थी, लिहाजा वो विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं। वहीं कुछ विधायकों के निधन के बाद विधानसभा सीटें खाली हो गई हैं, जिसके नए विधायकों को चुनने के लिए उपचुनाव कराया जा रहा है। जिन 13 सीटों पर 10 जुलाई को मतदान होना है उनमें बिहार की रुपौली, पश्चिम बंगाल की रायगंज, रानाघाट दक्षिण, बागदा, माणिकताला, तमिलनाडु की विक्रावंदी, मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा, उत्तराखंड की बद्रीनाथ, मंगलौर, पंजाब की जालंधर वेस्ट, हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर, नालागढ़ सीट। इन सीटों पर उपचुनाव का नोटिफिकेशन 14 जून को जारी हुआ था। नामांकन की आखिरी तारीख 21 जून रही और स्क्रूटनी भी 24 जून को हो चुकी है। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख 26 जून तय की गई थी और 10 जुलाई को वोटिंग होनी है, जिसके बाद 13 जुलाई को नतीजे आएंगे। वहीं उत्तर प्रदेश की करहल, मिल्कीपुर, कटेहरी, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर मीरापुर, फूलपुर, मझगावां, सीसामऊ सीटों पर उपचुनाव होना है। उत्तर प्रदेश में 9 विधायक सांसद बन गए हैं और समाजवादी पार्टी के एक विधायक इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई है, जिसकी वजह से कानपुर की सीसामऊ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, लेकिन अभी तक इन तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। अब आइए आपको बताते हैं कि 7 राज्यों की 13 सीटों पर जिन पर 10 जुलाई को मतदान होना है वहां किसका पल्ला भारी है। सबसे पहले शुरुआत पश्चिम बंगाल से है, जहां की 4 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये चारों सीटें टीएमसी के पास थीं। टीएमसी ने लोकसभा चुनाव 2024 में शानदार प्रदर्शन किया, ऐसे में इस बार भी इन सीटों पर टीएमसी का पल्ला भारी माना जा रहा है। वहीं बिहार की रुपौली सीट पर उपचुनाव है, जहां पर जेडीयू विधायक बीमा भारती के इस्तीफे के बाद चुनाव हो रहा है। अब वो जदयू छोड़कर राजद में आ गई हैं। ऐसे में इस सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। तमिलनाडु की विक्रमवंडी सीट पर उपचुनाव होना है। यह सीट डीएमके विधायक पुंगा जयंती के निधन के बाद खाली हुई थी। इस सीट पर डीएमके और एनडीए के बीच कड़ा मुकाबला है। मध्य प्रदेश की अमरवाड़ा विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं। यहां से कांग्रेस विधायक कमलेश प्रताप शाह बीजेपी में शामिल हो गए हैं, इसलिए इस सीट पर उपचुनाव हो रहा है। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर उपचुनाव हो रहा है। बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। वहीं मंगलौर से बसपा विधायक सरवत करीम अंसारी के निधन के बाद उपचुनाव हो रहा है। इस सीट पर बीजेपी ने करतार सिंह भड़ाना, कांग्रेस के पूर्व विधायक काजी निजामुद्दीन और बीएसपी ने दिवंगत विधायक सरवत करीम अंसारी के बेटे उबैदू रहमान को टिकट दिया है। हिमाचल प्रदेश की देहरा, हमीरपुर और नालागढ़ सीट पर उपचुनाव हो रहा है। ये सीटें होशियार सिंह, आशीष शर्मा और केएल ठाकुर के इस्तीफे के बाद खाली हुई हैं। देहरा में कांग्रेस की कमलेश ठाकुर और बीजेपी के होशियार सिंह के बीच कड़ा मुकाबला है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।